नमस्कार। आज का टॉपिक है वाक्य के 8 पदों में से दूसरा पद सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं, उसकी पहचान कैसे करनी है और उसके भेदों की जो ट्रिक है, जैसे संज्ञा की ट्रिक बनाई थी, ठीक वैसे ही मैंने सर्वनाम के प्रकारों की ट्रिक बनाई है। आशा करती हूँ कि इस ट्रिक की हिंदी आपको समझ में आ रही होगी और आप इसका लाभ ले रहे होंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस प्रकार के ये जो वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप इनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं उन साधनहीन बच्चों के लिए भी, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि आप उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो आइए हम समझते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्व का अर्थ सब जानते हो, सबके लिए। अब सबके लिए क्या है कि नाम, और नाम शब्द आते ही दिमाग में क्या आ जाता है, संज्ञा। यानी संज्ञा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नाम संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर अब यह नाम आया सबके लिए, तो सबका नाम किसका, कि जो कोई भी संज्ञा शब्द में प्रयुक्त हो रहा था, उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सबके लिए जो नाम निर्धारित किए गए हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम क्या है, ये कक्षा 12वीं के लिए पद परिचय का दूसरा पॉइंट है जिसके 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अब सर्वनाम का परिचय करते समय आपको किस बात का ध्यान देना है कि जब आपको पहचान करनी होती है तो पहली बात तो उसका भेद लिखना होता है कि भाई इतने इसके 6 ये भेद होते हैं, उनमें से जो शब्द दिया गया है उस शब्द का पहली बात तो भेद कौन सा है, और उस भेद में यदि पुरुषवाचक सर्वनाम आया तो उन पुरुषवाचक सर्वनाम में से उसमें से कौन सा पुरुष है। अब कितने पुरुष है, जो 3 पुरुष है मैं आपको आगे समझा दूंगी। फिर उसका उस शब्द का आपको लिंग बताना होता है, पहले भेद बताना है और पुरुषवाचक भेद बताया तो उसमें आपको 3 प्रकार के पुरुषों में से कौन सा पुरुष है वो बताना है। फिर उसका लिंग, अपने हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। फिर आपको बताना है उसका वचन, और हिंदी में वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर आपको बताना उसका कारक कौन सा है, कारक के बाद फिर उस कर्ता कारक है तो उस सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। यदि आप ये चीजें उसमें बता देते हो तो आपके 2 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। तो ये सर्वनाम टॉपिक सबके लिए उपयोगी है और आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। उस सर्वनाम के भेद को पहचानने की या भेद को याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने आपके लिए बनाई है, वो क्या है कि पुरुषों में निश्चित अनिश्चित रूप से निजता के स्वयं के भीतर के संबंधों का प्रश्न। तो इससे क्या बन जाता है, पुरुषों से क्या बन जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चित से निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अनिश्चित से जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजता से निजवाचक, जब व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वो निजवाचक। फिर आया है संबंधों में, तो संबंधों के लिए संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक दूसरे के वस्तुओं के या व्यक्तियों के आपसी संबंधों को बताते हैं तो वो संबंधवाचक। फिर आया आपके प्रश्न, तो प्रश्नवाचक, जब हमें कोई बाहर खड़ा है या कौन खड़ा है हमें निश्चित रूप से पता भी नहीं होता है, हम उसके बारे में जानते नहीं है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या ट्रिक है अपनी यहाँ पे कि पुरुषों में निश्चित अनिश्चित रूप से निजता के संबंधों का प्रश्न। आपको कोई परिभाषा या इतना ये सब कुछ लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाती है तो फिर आप सर्वनाम के इन भेदों को कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब आइए आगे हम समझते हैं इनके बारे में विस्तार से समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम उसको कहेंगे जब वक्ता के द्वारा संबोधन दिया जाता है।
अब वक्ता के द्वारा संबोधन किसके बारे में दिया जाता है? एक तो वो देगा स्वयं के बारे में। अब चूंकि यहाँ क्या आया, पुरुष वाचक यानी पुरुष के बारे में, वाचक यानी बताने वाला, ठीक है, तो पुरुष वाचक यानी इसमें स्वयं, एक तो वो स्वयं के लिए देगा जैसे कि मैं या हम, एक वो दूसरों के लिए देता है तो तुम या आप, तो वो दूसरों के लिए हो जाता है। एक वो देता है अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, तो जैसे यह है, वह है, ये, वो, ये सब क्या हो जाते हैं, किसी दूसरों के लिए जो कहे जाते हैं। तो वक्ता के द्वारा जो संबोधन दिया जाता है या वक्ता के द्वारा जो प्रकट किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। अब पुरुषवाचक में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। अब तीन प्रकार के पुरुष कौन कौन से होते हैं? जब वक्ता स्वयं के लिए कहता है, जब वो खुद के लिए बोलता है जैसे कि मैं या हम, तो उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ये जो यहाँ भेद बताया ना हमने कि भेद में इन पुरुषों में कौन सा पुरुष होता है, तब वहां बताना जरूरी होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे मैंने, हम है, हमने, ये होता है उत्तम पुरुष। दूसरा आता है जब हम अपने सामने वाले के लिए बात करते हैं, सामने वाले के लिए बात करते हैं तब उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मध्यम पुरुष, जो कि संस्कृत में ऐसे कैसे बोले जाते हैं, मध्यम पुरुष, जैसे तुम, आप, या तुमने, तुम्हारे, ये सब किसमें आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में। फिर तीसरा पुरुष आता है आपके अन्य पुरुष, जिसमें हम किसी दूसरों के लिए बात करते हैं तो उसके लिए क्या आता है, जैसे यह, उसने, उन्होंने, वह, ये सब किसमें आ जाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो ये तीनों पुरुष आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि संस्कृत में भी ये आते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा याद रखने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब दूसरा प्रकार है अपने निश्चय वाचक। जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम निश्चित होते हैं, हमें पता होता है कि ये किसके लिए है, निर्धारित होता है, हम चाहे अपने पास की वस्तु के लिए बोले, चाहे पास के व्यक्ति के लिए बोले, तो वो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, हमें पता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक, और इसको संकेतवाचक के नाम से भी दिया जाता है। जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि यह मेरा पेन है, तो यह मेरा पेन है, तो ये इसमें क्या हो गया कि निश्चित हो गया। और यदि मैं ये कह दूं कि ये मेरा ब्लैक बोर्ड है या यह मेरा श्यामपट है, तो ये निश्चित हो गया, तो इसके लिए। और यही अगर आप यही शब्द ऐसे लिख देते हो कि यह पेन मेरा है, तो ये किसमें चला जाता है, विशेषण की श्रेणी में चला जाता है। तब ये किसका काम करता है, क्योंकि ये पेन की विशेषता को बताता है। तो उस दृष्टि में हम जब विशेषण पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कब होता है, जब हमें पता नहीं रहता है, जैसे दरवाजे पर घंटी बजी, कोई आया है। अब कोई या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। थैले में कुछ है, तो कुछ हमें पता नहीं है कितना है, तो कुछ है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित की ओर संकेत किया जाए तो वो क्या हो जाता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जब व्यक्ति स्वयं के लिए या अपनी निजता को प्रकट करे, या यूं कहे गांधी जी के आदर्शों पर चले, स्वावलंबी, स्वावलंबी का कार्य करे। स्वावलंबी किसको कहते हैं, जो अपना कार्य स्वयं करता हो, तो स्वयं कैसा शब्द हो गया यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम, यानी ये निज यानी स्वयं को बताने वाला सर्वनाम, स्वयं हो गया, खुद, मैंने
अपना कार्य खुद किया, तो खुद कैसा शब्द है? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। और अपने आप, अपने आप, ये दोनों साथ में लिए जाएंगे तो सर्वनाम कौन सा होगा? निजवाचक। और यदि केवल आप ले लिया जाएगा कि आप आइए, आप आइए, तो ये किसके अंदर चला जाएगा? अन्य पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। तो अपने आप तब ये निजता को प्रकट करता है। तो आप समझ गए कि अपने आप किया तो वो जाएगा निजवाचक में, और यदि अपने आप की जगह केवल आप लिया तो वो अन्य पुरुष की बजाय किसमें जाएगा? मध्यम पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे हम संबोधित करते हैं ना आने वाले अतिथि के लिए, आप आइए, तो वो मध्यम पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद आया अपने संबंधवाचक, जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में संबंध को दर्शाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जैसी के साथ में कौन जुड़ रहा है? वैसी। तो ये दोनों क्या हो गए? इन दोनों के बीच को, बीच के संबंध को बताने वाले शब्द हो गए। तो यहाँ पे ये कैसे हो गए? संबंधवाचक। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। या आप वो कमीज लेकर आइए जो आप लेके आए थे, तो यहाँ पे जो शब्द क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाएगा। ठीक है, अगला है अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ क्या हो गया? प्रश्न सूचक शब्द जो भी होते हैं, या अंग्रेजी भाषा में यूं कहे कि WH शब्द जो भी होते हैं, वो किस में जाएंगे? सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएंगे। तो प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, या प्रश्न सूचक शब्दों को बताने वाले को क्या कहेंगे? अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये थे आपके सर्वनाम के 6 भेद। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिएगा। कल हम पढ़ेंगे पद का तीसरा प्रकार कौन सा होता है? क्रिया। कल हम क्रिया के बारे में बात करेंगे, क्रिया के भेद, उसका कैसे किया जाता है। धन्यवाद।